नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। तो अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंपल वे से सीखना है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। हम लोग आगे एक नए टॉपिक के साथ, ये जो टॉपिक है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बट बिफोर दैट आई विल जस्ट रिवाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन सा दो कैटेगरीज है? पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व आते हैं, दैट वी हैड डिस्कस। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें दो टाइप है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अभी ऑटोनॉमिक में होता क्या है, दैट नर्व्स इट इज गोइंग टू गो टू द इंटरनल ऑर्गन, हार्ट है, इंटरनल मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, ग्लैंड्स है, वहां पे ये नर्व जाएंगे। एंड वेर एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दीज नर्व्स विल गो टू द वॉलेंटरी स्केलेटल मसल। वॉलेंटरी मतलब स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स, राइट। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसका दो टाइप है, सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक। तो ये सिंपेथेटिक डिवीजन है, पैरासिंपेथेटिक डिवीजन कैसे काम करेगा वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो जो सिंपेथेटिक डिवीजन है, इट इज नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव एंड अलर्टनेस। मतलब अगर आपको कोई क्विक एक्शन लेना है, वेरी इमीजिएट एक्शन लेना है, अगर तो कुछ फाइट या फिर फ्लाइट का रिस्पॉन्स है, तो उसके लिए सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पैरासिंपेथेटिक क्या करेगा, सपोज व्हेन यू टेक द एक्शन, तो आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसको फिर से नॉर्मल लेके आने का काम कौन करेगा, पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, देखो इट इज अगेन अ ब्रांच ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, याद रखो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ब्रांच है। तो लुक एट द पॉइंट, इट इज गोइंग टू ट्रांसमिट द इम्पल्स, ये जो कुछ मैसेज है ये ट्रांसमिट कर रहा है, किधर से किधर कर रहा है, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलेंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। जो इनवॉलेंटरी ऑर्गन है, इनवॉलेंटरी मतलब जो हम लोग अपनी इच्छा के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, द ऑर्गन दैट वी कैनॉट कंट्रोल एज पर आर विल, उसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी ऑर्गन। मतलब जो मेरे विल से कंट्रोल नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टमक रहने दो, आपका इंटेस्टाइन रहने दो, आपका हार्ट रहने दो, ये वॉलेंटरी कंट्रोल में नहीं है, तो उनको बोलते हैं इनवॉलेंटरी ऑर्गन। तो जो कुछ मैसेज है ब्रेन से, ये ब्रेन से जो मैसेज है वो जाएगा इनवॉलेंटरी ऑर्गन के पास, इनवॉलेंटरी ऑर्गन के पास एंड स्मूथ मसल के पास। तो ये किसका काम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का काम है। तो ये किससे बना है, पेरिफेरल नर्व से ही बना है, और दैट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ इनवॉलेंटरी ऑर्गन। तो ये क्या है, इनवॉलेंटरी ऑर्गन का एक्टिविटी रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पे देखो, दिख रहा है, यहाँ पे इन दिस इंपल्स इज कंडक्टेड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से देखो ये इंपल्स लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोन। दिख रहा है ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोन। तो ये मैसेज तो लेके आएगा, ओके okay, उसका जो एग्जॉन है ये मैसेज लेके आएगा, किधर लेके आएगा, सिंपेथेटिक गैंग्लियन के पास और ऑटोनॉमिक गैंग्लियन के पास। दिख रहा है ये गैंग्लियन, गैंग्लियन मैंने क्या बोला था, गैंग्लियन इज कलेक्शन ऑफ मेनी साइटॉन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये साइटॉन का जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं गैंग्लियन। तो ये गैंग्लियन है, यहाँ पे अगर आपने देखा ये जो है सिंपेथेटिक चेन है, गैंग्लियन का चेन है, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे ये ऑटोनॉमिक गैंग्लियन के पास ये मैसेज लेके आएगा, कौन, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन किधर से स्टार्ट हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट हो रहा है, उसका एग्जॉन देखो यहाँ पे एंड हो रहा है, उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। यहाँ पे दिख रहा है साइनैप फॉर्म हो रहा है, साइनैप किस किस के बीच में, एक तो साइनैप फॉर्म हो रहा है सिंपेथेटिक गैंग्लियन के अंदर, और ये जो साइनैप है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन, इधर से देखो ये गैंग्लियन से और एक न्यूरॉन बाहर आ रहा है, उसको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखो ये साइनैप फॉर्म हो रहा है, कौन साइनैप फॉर्म कर रहा है, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन विद द पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन,
और ये कहां पे फॉर्म हो रहा है, विद इन द सिंपेथेटिक और ऑटोनॉमिक गैंग्लियन। तो देखो क्या लिखा है, इन दिस इंपल्स इज कंडक्टेड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय एन एक्सॉन। ये एक्सॉन क्या करेगा, ये मैसेज लेके आएगा। अभी ये एक्सॉन को क्या बोलना है या फिर ये न्यूरॉन को क्या बोलना है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये किसके साथ साइनैप कर रहा है, साइनैप हो रहा है विद ऑटोनॉमिक गैंग्लियन। तो यहाँ पे देखो एक सेकेंड न्यूरोन एक्सटेंड हो रहा है ऑटोनॉमिक गैंग्लियन के साथ। ये जो सेकेंड न्यूरोन है उसको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोन। और ये किधर जा रहा है, इट इज गोइंग टू कैरी द मैसेज टूवर्ड द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कैन बी स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंटरी ऑर्गन। तो ऐसे ये क्या होता है, काम करेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो दो टाइप है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, दो टाइप है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसको दूसरा नाम है थोरैको लंबार आउटफ्लो। क्या नाम है उसका, देखो थोरैको मतलब थोरैसिक, लंबार मतलब एब्डोमिनल रीजन। तो अगर आपने यहां पे देखा जितने भी न्यूरॉन्स हैं, ओके, और ये कहां से अराइज हो रहे हैं, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, अभी ये है ओरिजिनेट इन द थोरैसिक एंड लंबार रीजन। ओरिजिनेट कहां पे हो रहा है, थोरैसिक मतलब चेस्ट रीजन है, लंबार मतलब एब्डोमिन रीजन है। कहां से कहां तक ओरिजिनेट हो रहा है, फ्रॉम थोरैसिक वर्टिब्रा 1 T1 बराबर कि नहीं, टू L3 लंबार वर्टिब्रा 3। ये रीजन के बीच में क्या हो रहा है, ये ओरिजिनेट हो रहा है। कौन ओरिजिनेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उसको क्या बोलते हैं, थोरैको लंबार आउटफ्लो। एंड ये किससे बना है, गैंग्लियन से बना है। दिख रहा है ये गैंग्लियन चैन दिख रहा है, छोटा 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 स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको बोलते हैं गैंग्लियन। कौन सा गैंग्लियन है, 22 पेयर्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन। मैंने बोला था गैंग्लियन क्या है, गैंग्लियन इज कलेक्शन ऑफ मेनी साइटॉन आउटसाइड। और ये देखो लैटरली लोकेटेड है ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो देयर आर, इट कंसिस्ट ऑफ 22 पेयर, मतलब अगर यहाँ पे 22 है तो उसके राइट साइड पे भी क्या रहेगा, 22 पेयर्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन रहेंगे। और ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन दे आर लाइंग वन आफ्टर द अदर, और ये क्या फॉर्म करे, सिंपैथेटिक कॉर्ड। और ये सिंपैथेटिक कॉर्ड और गैंग्लियन मिला के फॉर्म करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो कुछ दिख रहा है, दिस इज अ प्री गैंग्लियोनिक नर्व। और अगर आपने देखा ये ब्लैक कलर का जो नर्व दिख रहा है, ये प्री गैंग्लियोनिक है, दिस इज कंपैरेटिवली शॉर्ट, दिख रहा है शॉर्ट है। आपको रेड कलर का नर्व दिख रहा है जो गैंग्लियन से अराइज हो रहा है, उस वो कंपैरेटिवली क्या है, लॉन्ग है। तो हमेशा याद रखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, दैट इज अ शॉर्ट, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, दैट इज अ लॉन्ग। सो हियर देयर इज क्या है, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस, ओके, क्या प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। याद रखो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, दिख रहा है ये, तो यहां पे ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा द केमिकल नोन एज एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। सो इट इज प्रोड्यूस बाय द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एट द इफेक्टर ऑर्गन। तो ये देखो ये इफेक्टर ऑर्गन है, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। सो ये क्या करेगा, बॉडी का जितना भी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करेगा ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब क्या, अगर आप किसके साथ फाइट कर रहे हैं, अगर आपको किससे बच के भागना है, मतलब फ्लाइट है, अगर आप डर गए, तो यहाँ पे क्या है, ये रिस्पॉन्सेस है, ये किसके वजह से है, दैट इज बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो उसके पास दोनों भी इफेक्ट है, दैट इज एक्साइटेटरी इफेक्ट और इनिबेटरी इफेक्ट, मतलब ये स्टिम्युलेट भी करेगा, एक्साइट भी करेगा, और कुछ कुछ ऑर्गन को ये इनिबिट भी करेगा। तो आपके हार्ट को स्टिम्युलेट करेगा, आर यू गेटिंग दिस, आर यू गेटिंग। तो यहाँ पे देखो दिस इज गोइंग टू एक्सेलरेट द हार्ट बीट, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, देन आपको क्या होगा, गूज बॉम्ब आएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन। लेकिन अगर आपने देखा ये डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इनिबिट कर रहा है, कैन यू सी दिस,
ये एक्सक्रिटरी सिस्टम को भी क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, मतलब ये सबको स्टिमुलेट करेगा, सबको एक्साइट करेगा, सिर्फ डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रिटरी सिस्टम को छोड़ के। सो दिस इज, दीज आर कॉल्ड एज एड्रिनाल्जिक फाइबर, मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है उसका दूसरा नाम क्या है, एड्रिनाल्जिक फाइबर, बिकॉज ये क्या रिलीज कर रहा है, एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन। तो ये हुआ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। अभी पैरासिंपैथेटिक देखो एग्जैक्टली अपोजिट है, दिख रहा है ये पैरासिंपैथेटिक में, अगर आपने देखा यहाँ पे भी देखो, पैरासिंपैथेटिक जो नर्व्स है दैट इज मोस्टली गोइंग टू अराइज फ्रॉम द क्रेनियम, दिख रहा है ये क्रेनियल नर्व्स है, कौन कौन सा क्रेनियल नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स थर्ड, क्रेनियल नर्व्स सेवन, क्रेनियल नर्व्स नाइन एंड क्रेनियल नर्व्स टेन, दिख रहा है ये, सो थर्ड देन देर इज सेवन नाइन्थ एंड टेंथ, इससे क्या होगा, ये जो है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फॉर्म करेगा। और यहाँ पे देखो जो सैक्रल नर्व्स है वो भी क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंस द क्रेनियल नर्व्स एंड सैक्रल नर्व्स आर इन्वॉल्व, तो उसको बोलते हैं क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो, क्या नाम है दूसरा, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। तो कौन सा क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व है, थर्ड, देन देर इज सेवन नाइन्थ एंड टेंथ, कौन सा स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व में भी कौन सा सैक्रल नर्व, कौन सा सैक्रल नर्व सेकेंड एंड थर्ड, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे देखो इधर से जो न्यूरॉन आ रहे हैं दिख रहा है ब्लैक कलर के, उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व, दिख रहा है ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व। सो प्री गैंग्लियोनिक नर्व किधर जाएंगे, गैंग्लियन के पास जा रहे हैं, कैन यू सी देर आर गैंग्लियन, यहाँ पे देखो देर आर ग्रीन गैंग्लियन, यहाँ पे देखो देर आर रेड गैंग्लियन, तो ये गैंग्लियन के पास जाएंगे, और ये गैंग्लियन से देखो दूसरा न्यूरॉन आ रहा है जो रेड कलर का है, सो दिस रेड वन इज नोन एज पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है यहाँ पे लॉन्ग है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है यहाँ पे क्या है, शॉर्ट है, बराबर कि नहीं। और ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है ये प्रोड्यूस करेगा अ केमिकल कॉल्ड एज एसिटाइल कोलीन, क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिटाइल कोलीन, और उसका इफेक्ट होगा इफेक्टर ऑर्गन के पास, आर यू गेटिंग दिस। सो एसिटाइल कोलीन कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, टर्मिनल एंड ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, एंड इट इज गोइंग टू शो द इफेक्ट ऑन द इफेक्टर ऑर्गन, एंड देयरफॉर उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक फाइबर, बिकॉज ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा एसिटाइल कोलीन। तो एसिटाइल कोलीन का एग्जैक्टली अपोजिट इफेक्ट है एज कंपेयर टू पैरासिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने आपका हार्ट रेट बढ़ाया, तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका हार्ट रेट क्या करेगा, कम करेगा, नॉर्मल करेगा, मतलब एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली अपोजिट। सो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एग्जैक्टली अपोजिट वे में काम करेगा, और जो कुछ एक्टिविटीज बढ़ गया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में उसको नॉर्मल लाने का काम कौन करेगा, ये पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उसके वजह से उसको बोलते हैं हाउसकीपिंग सिस्टम। हाउसकीपिंग मतलब क्या, जो चीजें है वही पे नॉर्मल जगह पे रखना है। तो यहाँ पे अगर आपका हार्ट रेट बढ़ गया तो नॉर्मल होना चाहिए कि नहीं, अगर आपका लीवर स्टिमुलेट हुआ बराबर या फिर इनिबिट हुआ तो वो फिर से स्टिमुलेट होना चाहिए कि नहीं। तो ये सब चीजें मतलब अगर आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया तो ये फिर से नॉर्मल लेके आने का काम कौन करेगा, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उसको उसके वजह से उसको बोलते हैं हाउसकीपिंग सिस्टम, मतलब ये क्या कर रहा है, सब चीजें जगह पे रखने का काम, नॉर्मल करने का काम, जितना भी चेंजेस हुआ था, जितना भी चेंजेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में किया था वो ऑब्वियसली परमानेंट नहीं रहेगा, तो वो फिर से नॉर्मल लाने का काम कौन करेगा, ये पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज इनहिबिटरी इफेक्ट एक्सेप्ट डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रिटरी। डाइजेशन को यहाँ पे ये स्टिम्युलेट कर रहा है, एक्सक्रिटरी को भी क्या कर रहा है, स्टिम्युलेट कर रहा है। तो सिंपैथेटिक क्या था, सिंपैथेटिक का सबका स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट था सिर्फ एक्सक्रिटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ के, लेकिन यहाँ पे पैरासिंपैथेटिक एग्जैक्टली अपोजिट है, उसका सब जगह पे इनहिबिटिंग इफेक्ट है, सिर्फ स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट आपको कहां पे दिखेगा, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रिटरी सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में ना एक टेबल है, तो ये टेबल दिख रहा है, सेम आपके टेक्स्ट बुक का यही फोटो है। तो यहाँ पे देखो मेंशन किया है ऑर्गन है सिंपैथेटिक इफेक्ट में क्या, हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा है,
पैरासिम्पेटिक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज रादर इट विल कम, इट विल ब्रिंग दैट हार्ट बीट टू द नॉर्मल लेवल, मतलब फिर से नॉर्मल लेके आने का काम करेगा। आपका ब्लड वेसल क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे ये ब्लड वेसल डायलेट होगा, डायलेट मतलब उसका डायमीटर बढ़ेगा, तो डायमीटर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा। उसके बाद में ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। प्यूपिल ऑफ द आई मतलब आई का जो प्यूपिल है उसको डायलेट करेगा, मतलब डायमीटर बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। देखो मैंने बोला था गैस्ट्रो इंटेस्टिनल के ऊपर क्या एग्जैक्टली अपोजिट है, यहाँ पे क्या है पेरिस्टाइसिस इनिबिट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, यहाँ पे पेरिस्टाइसिस क्या करेगा एक्सेलरेट करेगा, मतलब एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर रहा है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, फ्यू ऑर्गन जो सिंपेथेटिक में कैसे सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम उसके ऊपर सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम उसके ऊपर क्या इफेक्ट करेगा और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम उसके ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, ये कंपैरेटिव टेबल के जरिए आपको उन्होंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। ओके तो ये था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। आई होप आपको ये डायग्राम के वजह से क्लियर हुआ रहेगा, टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं है, आपको नहीं समझेगा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये डायग्राम देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर विथ प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन, तो ये तीनों रहेगा तभी समझेगा ना। तो ये सुनने के लिए ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक।